आपका करियर इतना अच्छा चल रहा है, डूब नहीं रहा है, तो व्हाई हैव यू कम टू द शो? बिकॉज यू वांट द होल वर्ल्ड टू नो. रणवीर जी बोल रहे हैं कि बिग बॉस की दया से पहुंची है, बिग बॉस की दया से वो ट्रॉफी जीती है. पर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में होते तो ऑफकोर्स ही वुड हैव बीन आउट ऑफ द हाउस. एल्विश ने मेरे बारे में भी बोला कि मुझे सना मकबूल विनर मटेरियल लगती है. I share this trophy with Nazy and I'm asking everybody to come, but nobody came. So for me, I was little taken. क्या, like, yeah, why are they not coming? तो वो बंदे ने मेरा हाथ थामा है, 10 लोग ने उसको आके 10 चीजें बोली, उसने मेरा हाथ छोड़ा. हेलो एंड वेलकम टू डेली मसाला, मैं हूं फैजान और मेरे साथ में है इस वक्त जो पहले तो सिर्फ डीवा थी, लेकिन अब डीवा से डीवा सना मकबूल एंड विनर हो गए हैं. भाई बहुत कुछ हो गया लाइफ में. बिग बॉस ओटीटी विनर. कैसा लगता है सुनकर जब कोई विनर बोलता है? बहुत अच्छी फीलिंग लगती है. ऐसा लगता है कि आपने अपने आप पे जो विश्वास रखा है, आपने उसको कायम किया है, तो वो एक जो फीलिंग है ना, वो बहुत मजेदार है. क्या फील था यार जब ट्रॉफियां पकड़ते हो? और मैं वही कह रही हूँ ना, जब जो चीज़ आपने अपने अंदर एक विश्वास रखा था कि ट्रॉफी मैं ही लेके जाऊंगी, और जब वो सपना, वो विश पूरी होती है, तो वो एक एक्साइटमेंट, वो एक खुशी मैं बयान नहीं कर सकती, बट इट्स अमेजिंग. तो मैंने बस मेरे एक्सप्रेशन निकलेगी, कम टू मी बेबे, आई वेटेड फॉर यू फॉर सो लॉन्ग. मैंने इतनी जिल्लत सही है, इतनी You know, people have said so many terms to me. People have said, demean me. कितना कुछ बोला, कितना कुछ सहा, लोगों ने पीठ पीछे बातें की, कितना कुछ. एंड देन वो ट्रॉफी की हकदार आप हो, तो वो एक खुशी अलग थी बस. क्या फील कर रही थी जब पहले दिन आप घर में गई थी? मैं थोड़ा फ्लैशबैक में जाना चाहूँगा. 2 साल पहले जब मैं एक मनीषा की पार्टी में आपसे मिला था, वहाँ पर मैंने आपसे सवाल पूछा था कि यार बिग बॉस के बारे में क्या प्लान है, एंड यू सेड कि यार कि मुझे ना बिग बॉस नहीं करना है. तो मूड कैसे बदल गया भाई? मूड कैसे बदला मैं बताती हूँ. मैं कभी बिग बॉस के खिलाफ नहीं थी, बट मुझे करना नहीं था. मुझे रियलिटी शोज पे नहीं, वो बात नहीं है, रियलिटी शो पे भरोसा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है. मेरा ना, मैं बहुत दिल और दिमाग वाली, इट नीड्स टू अलाइन टुगेदर. तो मेरा क्या था, मैं करने के लिए अगर चाहूँ तो मुझे 2021 में आफ्टर खतरों के खिलाड़ी मुझे बिग बॉस ऑफर हुआ था. ओटीटी भी हुआ था, मेन भी हुआ था, तब से मुझे ऑफर हो ही रहा था. बट मेरा बहुत क्लियर फंडा है, व्हेन आई एम 100% इन, आई एम ऑल इन, ऑल इन. एंड व्हेन आई से ऑल इन, दिल दिमाग जान मैं अंदर हूँ. तो मेरा बस वो था कि मुझे वो अंदर से आवाज़ नहीं आ रही थी कि आपको अभी करना चाहिए, सना यू शुड गो फॉर इट. दिमाग नहीं कह रहा था, दिल नहीं कह रहा था, दे वर नॉट अलाइनिंग टुगेदर. 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, लास्ट बिग बॉस, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कर सकती हूँ. और अगेन आई विल से, बिग बॉस इज सच अ वाइड शो, इतना बड़ा शो है, इतना वॉच्ड शो है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, यू नो, इस शो के दौरान. उस चीज़ की ज़रूरत भी थी कई हद तक. सो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि शो में आने का एक मकसद ये भी था कि जब आप इस शो से बाहर निकलोगी तो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुलेगी, और वो अपॉर्चुनिटी को मुझे लेना था, और बस उसको अपने करियर में किस हिसाब से मैं यूज़ करूँगी, तो एक मकसद वो भी था. और आज मैं विनर बन के निकली हूँ, तो वो मकसद पर चांद चांद लग गए. और क्या फील आपने किया उस वक्त जब बोलते हैं कि लोग करियर रिवाइव करने आई है? और कुछ नहीं, गलत नहीं बोल रहे, मैं तो आई हूँ भाई. क्या क्या नहीं बोला है आपको? हूँ मैं भैया, जो भी आपने बोला, आपको लगता है आपने बोला, मैं हूँ. मैं करियर रिवाइव करने जरूर आई हूँ, डूबता करियर बचाने. मुझे तो लगता है कि कोई करियर रिवाइव करने गए थे आप. आपके पास प्रोजेक्ट बहुत अच्छे अच्छे थे, जितना मैं जानता हूँ. यस ऑफ कोर्स, प्रोजेक्ट बहुत अच्छे अच्छे थे, काम की. फिर करियर रिवाइव वाली बात कैसे आ गई? बट सर, हर कोई तो अपने आप को बनाने ही आया था ना इस शो में. माई पॉइंट इज दैट, वो ऐसे बोल रहे बट वो ये नहीं देख रहे कि उंगलियाँ उनकी तरफ भी जा रही है. वो ये सना के बारे में ज़रूर बोल रहे, बट आप देखो ना, आप फिर इस शो में क्यों आए हो? माई पॉइंट इज दैट, आपका करियर इतना अच्छा चल रहा है, डूब नहीं रहा है, तो वाई हैव यू कम टू द शो? बिकॉज यू वॉन्ट द होल वर्ल्ड टू नो. तो इसमें गलत क्या हो गया? मैं तो एक्सेप्ट करके बोल रही हूँ, हाँ मैं करियर रिवाइव करने आई हूँ, मुझे चाहिए मेरा करियर बने और बनेगा. सो मुझे वो कॉन्फिडेंस है, अपने आप में भी है, ये 4 साल पहले भी था, 4 साल के बाद भी है. मैंने ये चीज़, मेरे में वो पोटेंशियल है, एंड आई विल लिव अप टू इट. कोई ऐसा मोमेंट रहा घर के अंदर जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टूट गई हो? बहुत यार, बहुत. जैसे जो आपको लग रहा हो कि यार कि इस चीज़ से निकलना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए. मेरे को ना एवरी वीकेंड के वार पे मुझे ना ऐसे खट 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 कर, मेरे लिए वो थोड़ा वो था टारगेट था. तो मैंने देखे वो पॉइंट पर, आई वाज लाइक लेट्स जस्ट गिव अप एंड लेट्स जस्ट वॉक आउट.
बट देन फिर मैंने अपने आप को समझाया, मैंने कहा सना नो, यू आर नॉट समबडी टू गिव अप, नो। मैं उस रात रोई थी, आई रिमेम्बर, मैं ब्लैंकेट के अंदर रोई थी, फिर मैं आई वॉज नॉट फीलिंग ओके, मैं बाथरूम में जाके रोई थी। मैं वैसी टाइप ऑफ लड़की हूँ जो टूटती नहीं हूँ किसी के सामने। यस, मेरे इमोशंस है, दोस्ती यारी में मेरा दिल दुखता है तो मेरे आंसू निकल जाते हैं, बट मैं ये नहीं दिखाती हूँ कि मैं टूटी हूँ, तो मैं हूँ वैसी। बट या तो वीकेंड के वार पे जब आप पे वार होते थे तो थोड़ा बुरा लगता था मेकर्स की तरफ से जब आता था, बट वो मुझे ऐसा लगता था मे बी दैट इज शेपिंग मी, मे बी दे वॉन्ट मी टू बी स्ट्रॉन्ग, मे बी दे वॉन्ट मी टू होल्ड माई हेड हाई, सो आई डिड दैट। या जब आप घर के अंदर थे तो ट्विटर पे ना एक वॉर चलती है फैंस की, मतलब एक अपने 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 जो लोग हैं, अपने अपने जो उनके जो फेवरेट्स होते हैं उनके बारे में बातें करते हैं। आपको लेकर लोग कहते थे कि भाई हर वीकेंड के वार पे आपको टारगेट करेंगे और विशाल को टारगेट करेंगे, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ ये बोलते थे कि अनिल कपूर जो है कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म दिखा रहे हैं टुवर्ड्स रणवीर। क्या आपको भी वहाँ पे रहते हुए ऐसा फील हुआ? सी, अभी मेरे को लेटली पता चला कि रणवीर जी बोल रहे हैं कि बिग बॉस की दया से पहुँची है, बिग बॉस की दया से वो ट्रॉफी जीती है। तो दया तो बिग बॉस ने आपको भी दिखाई है, वीकेंड के वार पे आपको कुछ गलत नहीं बोलते थे, तो मोराल तो उनका भी उन्होंने अप किया है, तो दया तो उधर दिखाई है ना, राइट। बट यस, हैविंग सेड दैट, मुझे नहीं पता क्या सही क्या गलत, बट आई एम होल्डिंग द ट्रॉफी एट द एंड ऑफ द डे, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। क्या वजह थी रणबीर, अरमान, साई, इनके साथ में कभी आपकी बन नहीं पाई? लॉयल्टीज नहीं फील हुई या वाइब नहीं आई? वाइब नहीं आई, आई एम अ वेरी वाइब गर्ल, वो एनर्जीज अच्छी नहीं आई। अरमान जी के साथ मैं बात करती थी इनिशियली, बट फिर ना उसके बाद जब मैं बात करती थी ना, मुझे ऐसा लगता है रिश्ते रातों रात नहीं बनते, किसी किसी के बन जाते हैं भैया, किसी किसी के नहीं बनते। जैसे कौन कौन आता है किसी किसी में? नहीं, मैं कह रही हूँ कभी कभार आप एक इंसान को एक पार्टी में मिलते हो, आपको उसका वाइब इतना अच्छा लगता है कि आपको ऐसा लगता है मैं कल कब इससे मिलूँ, मैं वो हिसाब से बोल रही हूँ। तो मुझे ऐसा था कि यार मैंने उनको जाना, मैं उनसे बातें करती थी, मुझे अच्छे लगते थे, और मैंने उनको एक चीज़ भी बोली थी कि भैया मैं आपसे ना भैया बोलती थी मैं उनको, मैंने कहा मैं आपकी बहन बन के रहूँगी बट घर के बाहर, घर के अंदर नहीं, क्योंकि मुझे वो रिश्ता घर के अंदर नहीं बनाना था। उन्होंने बोला हाँ 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 करके, एंड देन व्हाट हैपेंड आई डोंट नो, ही वेंट फुल एंटी अबाउट मी, मुझे खुद नहीं पता क्या हुआ। वो इतने गंदे गंदे चीज़ें बोलते थे, ये बोलते थे, तो भैया आप अगर मुझे बोल रहे हो तो मैं चुप थोड़ी रहने वाली हूँ, मैं भी बोलती थी फिर। बस मुझे ये रीज़न आज भी नहीं पता दैट व्हाई एंड हाउ दिस हैपेंड दैट ही वेंट फुल एंटी फॉर मी। अरमान जी आज तक नहीं पता इसका रीज़न, मुझे नहीं पता, और मुझे डिस्कस कर सकते हैं शायद रणवीर ने इन्फ्लुएंस किया उनको। इन्फ्लुएंस करने वाले तो बहुत लोग होते हैं, डिस्कशंस बहुत हुआ करते थे क्योंकि घर के अंदर जो तो ग्रुप यार मेरे पीठ पीछे होते थे ना, मैं वही कह रही हूँ, मेरे मुंह पे इन लोग ने जब जब जो जो चीज़ें मुझे बोली है वो उनको मिली है वापस, बट मेरे पीठ पीछे क्या बात करते हैं, आई डोंट नो, आई वाज द हॉट टॉपिक ऑफ द हाउस। सबसे ज़्यादा शॉकिंग क्या लगा जब आप घर से बाहर आते हो और आप देखते हो सोशल मीडिया पर, हमारे रील्स तो भाई भरे हुए हैं आपके, आपसे आपके कंटेंट से, आपके पास में क्या? मेरी भी रील्स भरी है, बट मेरी ना बहुत पॉजिटिव रील्स भरी है, मेरी रील्स मेरी फ्रेंडशिप के ऊपर है, नेजी के साथ है, मैंने जो यहाँ रिश्ते बनाए थे चार लोगों के साथ, नेजी, विशाल, लवकेश, शिवानी, मेरी रील्स उनसे भरी हुई है, ट्रस्ट मी, और ऑफकोर्स मी फॉर श्योर बॉस लेडी। कई सारे लोगों का ये भी कहना कि आपने उन सब लोगों का यूज़ किया है। देखो हाँ हाँ मैंने सुनी, मुझे तो शो में भी बोलते आप थे सबको गाइड कर रहे हो और उन सबको यूज़ कर रहे हो। यार ऑडियंस को पता है मैंने किसको गाइड किया है और किसको नहीं किया, मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी, आज वही लोग बोलते हैं मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि गाइज डिजर्विंग अनडिजर्विंग तो मुझे नहीं पता, मैं थी मैं नहीं थी, बट जनता ने मुझे जिताया है तो उनको लगता है मैं डिजर्विंग हूँ, तो मैं हूँ, ट्रॉफी आज मेरे हाथ में है, सो दे हैव फेल्ट दैट, दे हैव गिवन मी दैट लव, दे हैव सपोर्टेड मी, उन्होंने मुझे जिताया है, तो मैं उनसे ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि थैंक यू, बट बाकी मुझे मैटर नहीं करते। बहुत लोग बोल रहे हैं शी सो अनडिजर्विंग, बट लेटली अभी प्लीज़ आप जाके देखिए सोशल मीडिया में वही लोग कह रहे हैं कि वेरी गुड फॉर हर। दिल दुखा आपका जब आपके हाथ में ट्रॉफी आती है लेकिन आप सबको बुलाते हो और वहाँ से कोई आता नहीं है? एज फार एज टू माई नॉलेज मैंने बुलाया ज़रूर था, मुझे चाहिए था कि ये ट्रॉफी मैं शिवानी, विशाल, लवकेश के साथ लिफ्ट करूँ,
मुझे वो एक मोमेंट चाहिए था और नेजी चाहिए थे मुझे, तो ये जो रिश्ते थे मेरे जो घर के अंदर बने थे, मैं उनके अपने लोगों का फ्रेम हो उसमें पूरा। हाँ मुझे वो चाहिए था, वो फ्रेम चाहिए था कि मैं इनके साथ उठा रही हूँ, मैंने रिश्ते बनाए और मैंने निभाए हैं। मे बी यू नो दे आर नॉट द विनर बट फॉर मी दे आर विनर्स, राइट? आई वॉन्टेड टू रेस्ट, इट डिड नॉट मैटर टू मी। वॉट मैटर्ड, मेरे पेरेंट्स और मेरी मदर और मेरी सिस्टर वॉज द वन, एंड मेरे को जब विनर अनाउंस किया मैं तो ट्रॉफी भी नहीं देखी, मैं अपनी माँ के पास भागी, मैंने उनको गले लगाया, मेरी बहन को गले लगाया, क्योंकि मेरे से ज़्यादा खुश वो थी। मैंने बोला रो मत, रिलैक्स रिलैक्स, येस आई वन, रिलैक्स रिलैक्स, एंड देन आई केम अप एंड देन आई टुक दैट ट्रॉफी फ्रॉम अनिल जीज हैंड, एंड देन आई सेड ओके, देन आई आस्क्ड हिम, आई सेड कैन आई शेयर दिस ट्रॉफी विद नेजी, एंड आई एम आस्किंग एवरीबडी टू कम बट नोबडी केम, सो फॉर मी आई वॉज लिटिल टेकन, क्या like why are they not coming, feel कुछ नहीं हुआ। शिवानी बिंग शिवानी, उन्होंने बोला मना किया है, तो मैं मुझे लगा शायद इनको instructions दी गई होगी, but ठीक है वो एक moment होता है, maybe they wanted to capture, but उस moment पे I think वो साई की girlfriend ने comment किया कि we were instructed not to, बट या शी ट्राई टू एक्सप्लेन द सिचुएशन, बट आई वुड से दैट कि वो एक दो मिनट का मोमेंट, दे वॉन्ट टू कैप्चर माई मोमेंट ऑफ विनिंग विच हैपन, बट आई एक्सपेक्टेड पीपल टू कम एंड विश मी एट लीस्ट, सो आई थिंक जो मेरे अपने थे उन्होंने मुझे, भले वो आए नहीं लेकिन उसके बाद दे वर वेरी हैप्पी दैट शी वन, एंड आई हग्ड ऑल थ्री ऑफ देम, आई वॉन्टेड, नेजी वॉज बिसाइड मी, तो जो मेरे अपने थे मैंने तो उनको, मैंने उनसे दिल लगा गले लिया, बट जो नहीं भी थे जो मे भी खुशी फेक दिखा रहे थे, आई ग्रीटेड, आई मीट एवरी वन द सेम वॉर्मथ आई हैड, राइट? एज आई सेड कि मैं जब घर से निकली थी मेरा ये प्रॉमिस था कि यहीं से सब दफना के आगे जाऊंगी, एंड आई लिव अप टू इट। आपने एक चीज़ कही थी एक एपिसोड के अंदर वीकेंड के बारे पे, मेरे दिल में ना स्कार रह जाते हैं, मैं चीज़ें भूलना चाहती हूँ लेकिन भूल नहीं पाती हूँ, शायद मेरे अंदर वो चीज़ है, करेक्ट है? ऐसी कोई चीज़ जो आपको वहाँ पे हुई हो जो अभी भी दिल में है आपके? लोग कौन कौन? इन चार को छोड़ के, नीरज को छोड़ के, पॉलमी को छोड़ के, पॉलमी को भी मैंने कभी जाना नहीं। सी मेरा ये है ना, जिनको मैं जानती नहीं उनके बारे में बात नहीं करती। सबसे ज़्यादा हर्ट किसने किया है? सबसे ज़्यादा हर्ट मुझे रणवीर जी ने किया, बिकॉज अ लॉट ऑफ डिमीनिंग थिंग्स ही टोल्ड मी। फिर वही फाइट में अरमान जी भी किए थे। चंद्रिका एक मोमेंट पे मुझसे बिना मिले चली गई थी, मुझे वो थोड़ी खटकी थी। बहुत सारे मोमेंट्स हैं ऐसे, कोई मैं कह रही हूँ ना, आई वॉज अ मोस्ट टारगेटेड पर्सन इन द हाउस, आई वॉज दैट अलोन वुल्फ लेफ्ट ऑल अलोन, बट मुझे, मैं उसको पॉजिटिवली लेती हूँ कि अल्फा वुमेन हैव टू फेस दिस एंड आई एम एन अल्फा। सो घर के अंदर इतना बड़ा थप्पड़ कांड जब हो गया, आपको नहीं लगा कि अरमान को उस वक्त घर से निकालना चाहिए? कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा मानना है कि मेकर्स, अगर वो थप्पड़ नॉर्मल अग्री बायस्ड है, बायस्ड की बात नहीं, अगर वो थप्पड़ नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में होते तो ऑफकोर्स ही वुड हैव बीन आउट ऑफ द हाउस, कोई एक्शन ले नहीं रहे, लेकिन मैं तो ज़रूर बोलती कि आई एम सॉरी, आई एम लिटिल अनकम्फर्टेबल हियर, बट उस सिचुएशन को हमने समझने की कोशिश की, जब वो चीज़ें हमें समझाई गई थी तो हमें तब वो गलत लगी थी, हमने, मी बींग अ गर्ल आई विल स्टिल से दैट मैं भी ये चीज़ नहीं सुन सकती, जो चीज़ हमें बताई गई थी पायल के मुँह से वीकेंड के वार के एपिसोड में, हमने उस पर रिएक्ट किया था और अरमान जी ने भी उस पर रिएक्शन दी थी। अब वो बाहर निकल के, फिर विशाल के जब पापा आए थे, अंकल आए थे, अंकल ने जब चीज़ें क्लेरिफाई की तो तब समझ आया कि इट वॉज मिस कोटेड। आपने बाहर आके वो क्लिप देखा? नहीं देखा। क्या फील करती हैं जब आप बोल, कोई बंदा बोलता है कि भैया भाग्यशाली हैं, भाभी सुंदर है, ये कहना सही है या गलत है? सी उस बंदे ने डे वन से भाभी को बोला है भाभी बहुत सुंदर हो, भाभी आप कितनी क्यूट हो, भाभी आप ये हो, भाभी आप वो हो, तो नियत में खोट होनी होती तो वो डे वन से दिख जाती। मैंने वो क्लिप नहीं देखी तो आई विल नॉट कॉमेंट, बट अगेन एज आई सेड कि नियत में खोट होनी होती तो वो डे वन से दिख जाती, सो आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता, एंड ही इज़ माई फ्रेंड, आई विल ऑलवेज बी विथ हिम, बट वेर ही इज़ रॉन्ग, ही इज़ रॉन्ग। सो मेरे को तब वो थप्पड़ वाले इंसिडेंट में वो गलत लगे थे, तो मैंने उनको, मैंने भी समझाया था, विशाल मैं एक लड़की हूँ, इफ़ आई कैन नॉट टेक इट, अंडरस्टैंड व्हाई एम आई सेइंग, तो वो थप्पड़ वाला इंसिडेंट बिग बॉस ने लेट गो, स्पेशल केस से लेट गो कर दिया था, बट घर के अंदर थप्पड़ मारना इज ऑफ कोर्स नॉट एक्सेप्टेड। सबसे ज़्यादा शॉकिंग क्या था आपके लिए देखना, जो भी आपने देखा हो, जो आपको लगा हो कि हाँ यार ये चीज़ तो कुछ और ही हो रही थी, मैं कुछ और ही समझ रही थी, वो मोमेंट कौन सा था? मेरे लिए तो बहुत सारे मोमेंट्स थे, क्योंकि लोग मुझे समझ ही नहीं पाए थे, तो मुझे भी सही लगता था। कह सकती हूँ कि तुम्हें लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि अगर नहीं समझ पाते तो ट्रॉफी नहीं आती यार, ये प्यार है, मैं बस इतना बोलूँगी, ये प्यार है, बट मुझे ऐसा लगता है उस घर में
लोगों को ये समझ होनी चाहिए कि कॉइन हैज टू साइड्स. करेक्ट है. आप इधर भी स्टोरी सुनो, इधर भी सुनो, फिर आप अपना जजमेंट लो, फिर आप अपना ओपिनियन बनाओ किसी के बारे में. आपको साई ने मेरे बारे में डिकोड किया कि ये ऐसी है, ये वो है, ये है, ये वो है. आप उसी परसेप्शन से थ्रू आउट द शो आप मुझे देखते आए हो, देन दैट्स रॉन्ग. कम सिट, टॉक टू मी, ट्राई टू नो मी, देन जज अबाउट मी. इफ आई एम स्नूटी, इफ आई एम स्नॉबी, इफ आई एम एरोगेंट, इफ आई एम दिस और दैट, व्हाटएवर पीपल हैव स्पोकन अबाउट मी, यू वुड नो बिकॉज यू हैव सैट वन ऑन वन विद मी. मेरा ये मानना है. अगेन, इट्स देयर ओपिनियन. एल्विश कैसा कहना है कि लवकेश को निकाला गया इसलिए क्योंकि बोर्ड से ना वो हरा नहीं पाते. व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्या आपको ऐसा लगता है? सी, लवकेश का निकलना वाज लिटिल डिसहार्टनिंग. मुझे ऐसा लगता है, ही इज ऑफ कोर्स इज अ गुड प्लेयर, बट देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो रेज्ड विद अदर कंटेस्टेंट्स सेइंग कि अरे ये तो अपने फैन बेस से पहुंची है. आज भी मैं जीत गई हूँ तो लोगों ने बोला है कि उसका PR स्ट्रांग है, उसका इंस्टाग्राम स्ट्रांग है, उसका ये स्ट्रांग है. भैया, मैं भी जब आई थी मेरा कुछ स्ट्रांग नहीं था. मैंने अपने आप को बनाया है. तो लवकेश ने भी अपने आप को कई हद तक बनाया. लवकेश को फर्स्ट वीक में बोला कि एल्विश का टैग हटाओ. उसने सबसे बोला, अपने भाइयों से माफ़ी मांगी कि प्लीज़ आप मुझे देखो, मुझे प्यार दो. तो अगर उसको प्यार मिल रहा था तो वो उसे मिल रहा था, एल्विश का प्यार नहीं मिल रहा था. ऑफ़ कोर्स एल्विश उसके फ्रेंड है, एल्विश का सपोर्ट उधर रहेगा, तो व्हाई नॉट, फ्रेंड्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. एल्विश ने मेरे बारे में भी बोला कि मुझे सना मकबूल विनर मटीरियल लगती है. तो इसमें आप बोलेंगे कि मैं और एल्विश, मैं एल्विश को जानती नहीं, बट स्टिल ही सपोर्टेड एंड स्टिल ही रूटेड फॉर मी, यू नो, एंड दैट्स अ बिग थिंग. हाल ही में एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जहाँ पे नेज़ी से पूछा जाता है आपकी शादी की बात को लेकर. नेज़ी कहते हैं, भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ लेकिन थोड़ा सा अलग ही फील कर रहा हूँ. अब पता नहीं नेज़ी क्या सोच रहे होंगे उस टाइम पे, बट शादी जैसे टॉपिक पे नेज़ी थोड़े घबरा गए होंगे कि मैं क्या बोलूँ. सना से तो बात हुई नहीं है, बट या आई थिंक नेज़ी भी, नेज़ी वो थोड़े घबरा गए होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है. नेज़ी बहुत खुश, ऑफकोर्स एज ही सेड कि मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, एंड वो हमेशा मेरे लिए खुश रहेगा. जब मैं ट्रॉफी उसके बाजू में खड़े रह के लिफ्ट करती हूँ एंड ही सेज दैट कि मैं बहुत खुश हूँ, अपनी बमाई जीती है. सही बात है. यू नो वॉट ही सेड, एंड आई लव दैट वर्ड, ही सेड अपनी बमाई जीती है भाई, लाइक आई लव इट. अगर वो भी जीतता तो मेरे लिए वही खुशी होती. और कल को नेज़ी की भी शादी होगी तो मैं यही बोलूंगी कि वाओ, बमाई इज गेटिंग मैरिड, आई हैव टू लुक द बेस्ट. लेकिन सर, मुझे एक चीज मुझे बताओ, जब एक बंदा जो बमाई जो है उन्होंने एक्सक्लूसिवली नाम आपके लिए रख दिया है, भाई ये नाम से तो मुझे मत बोलना. एक्सक्लूसिवली नहीं रखा है एनीबॉडी, उन्होंने एक एक बंदे से जाके बोला था, भाई तुम मेरे को बोलना मत, ये बमाई चढ़ जाएगी वहाँ पे. नहीं, एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने उसको बमाई बोला तो मैंने उसको ऐसे देखा, मैंने बोला ये वर्ड मेरे लिए ही है, यू नो. तो उसे बोला, हे कोई बमाई मत बोलना, वो सिर्फ वो बोलेगी. तो बिकॉज नेज़ी मुझे उतना इम्पोर्टेंस देता था, यू नो, बिकॉज समवेयर वी वर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर. अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, हाइपोथेटिकली सिचुएशन दे रहा हूँ, हम सबको पता है, आपने बहुत बार जिक्र किया है अपने प्यार का, अपने रिलेशनशिप का, अगर सिंगल होती तो डेट करती नेज़ी को? घुमा के जवाब मत देना, सीधा सीधा जवाब देना इसका. देखो, कुछ रिश्ते ना दोस्ती में दोस्त होते हैं तो उसमें मैं वैसे ही रखना पसंद करती हूँ, और नेज़ी और मेरा रिश्ता दोस्ती का ही है, तो ये घुमा फिरा के जवाब नहीं दे रही हूँ. मैंने नेज़ी को वैसे देखा नहीं है, ही इज़ वेरी केयरिंग, ही इज़ वेरी सपोर्टिव. मतलब वो बंदे ने मेरा हाथ थामा है, 10 लोग ने उसको आके 10 चीज़ें बोली, उसने मेरा हाथ छोड़ा नहीं. ही इज़ अ फैब गाय, सो ऑल गर्ल्स आउट देयर प्लीज़ कनेक्ट नेज़ी दबा. मतलब डेट नहीं करती? मैं क्या कॉम्प्लिकेटेड जवाब दे दिया क्या आपने? कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया, वो मेरा दोस्त है और वो हमेशा मेरा दोस्त रहेगा. तो दोस्ती है, फ्रेंड जोन नहीं, वो मैंने उसे दोस्त बनाया है तो दोस्त. अब दोस्ती में वो नहीं करते आप. तो मैं सिर्फ बाकी सारी लड़कियों को बोलना चाहती हूँ, प्लीज कनेक्ट नेज़ी दबा, ही इज अमेजिंग. क्या कहोगी डिवा सना, जो भी बोलना चाहो अपनी ऑडियंस से, और क्या करने वाली हो आप अभी? तो मतलब एज आई सेड, इट्स अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर मी, एंड आई वॉन्ट टू जस्ट गो फॉर इट. पॉजिटिव वो एक लाइट मुझे मिली और आई वॉन्ट टू शाइन इन दैट लाइट. तो मेरा बस फोकस अब वो है, काम करना है, करियर रिवाइव करना है. डूबता करियर बचाने आई थी तो बस करियर बनाना है, अभी आगे जाना है. जाते जाते कोई एक चीज़ जो आप बोलना चाहें आपके दर्शकों से या बहुत सारे लोगों से, इन दिनों बहुत सारे सवाल आपके पास में आए हैं, जिस एक सवाल का जवाब देते देते आप बहुत ज़्यादा थक चुकी हो और जो कहना चाहो कि भाई अब ये और मत पूछो, ये हो गया बस ये रणवीर जी वाला टॉपिक, इट्स ओके गाइज. मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं अब वो क्या, वो मेरे पे क्वेश्चन उठा रहे हैं वेदर आई एम डिजर्विंग, आई एम नॉट डिजर्विंग. आप सब ने मुझे प्यार किया है, आप सब ने मुझे सपोर्ट किया है, आप लोगों ने मुझे जिताया, तो ये हमारी जीत है, हम सब की जीत है.
अब रणवीर जी को लगता है मैं डिजर्विंग हूँ नहीं हूँ, वो उनका टेक है। बस मैं सबसे ये बोलना चाहूँगी कि मैं जब उस घर से निकली थी मैंने चीज़ें दफना दी थी, एंड आई वुड लाइक टू कीप इट लाइक दैट वे, पीस आउट टू हिम एंड पीस आउट ऑन दैट टॉपिक कि गाइज हो गया, अब हम ख़त्म, हम शो से आगे निकल गए हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि अब बार बार इस चीज़ पे हम बात ना करें तो बेटर रहेगा, बट इट्स ओके, लोगों के सवाल होते हैं, हम आंसर करने के लिए बैठे। बट आप सब ने मुझे प्यार दिया तो मैं यही बोलूँगी कि हम सब की जीत है। थैंक यू सोना, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और भाई लाइन लगा दो ट्रॉफीज की।